नमस्कार, क्या आपको पता है विश्व के 90% लोगों को इस वजह से मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। डेफिनेटली मैं अभी आपको दो बातें बताऊंगा और उन्हीं दो बातों के बल पर इंसान को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, हर जगह इज्जत मिलती है, हर जगह मान सम्मान मिलती है। इन दो में से एक ना एक चीज तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन दो में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो समझ लेना, और आप अभी मैं बताऊंगा आप खुद मानोगे, आप खुद फील करोगे कि जिस इंसान के पास में दोनों चीज नहीं है ना, ना तो उसको मान सम्मान मिलता है, ना उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, ना कोई उसको इज्जत देता है, बस आता जाता रहता है। अरे आया होगा कोई यार, आना आने दो ना अपने के। बिल्कुल उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उसकी रेस्पेक्ट जीरो हो जाती। और वो दो चीजें क्या हैं जो आपके पास होनी चाहिए? नंबर वन, नॉलेज। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास नॉलेज है तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, और आपका मान सम्मान होगा, और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। आप एडवोकेट हो, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, या आप और कोई भी हो, आप में अच्छा नॉलेज है तो आपको पता है आपकी रेस्पेक्ट कैसी होती है। इसके अलावा भी आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके माइंड में अच्छा नॉलेज भरा है, फिर भी लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी हर जगह आवभगत करेंगे, आपकी हर जगह पूछ करेंगे, यार वो सर कहाँ गए यार, अरे यार वो भाई साहब कहाँ गए, वो बहुत अच्छा नॉलेज है यार, और वो इस चीज़ में बहुत मास्टर माइंड है यार, और उनको बुलाओ यार, ये कार्य तो उनमें बहुत बड़ा नॉलेज है, वो कर लेंगे। तो कैसे, हाउ? इसीलिए नॉलेज। तो पैसा नहीं हो अपने पास में कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, एक दिन वही नॉलेज आपको इज्जत के ऊपर खड़ा कर देगा। और आपको पता है नॉलेज रातों रात नहीं आता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है। जरूरी नहीं कि आप घंटों पढ़ाई करें, रोज के आधा घंटा ही पढ़ाई करें, रोज के आधा घंटे कोई बुक्स पढ़े, मोटिवेशन बुक्स पढ़े, बिजनेस की बुक पढ़े, कोई अच्छे एटिकेट्स की बुक पढ़े, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े, कुछ भी पढ़े, नॉलेज इकट्ठा करो। आप 10 लोगों के सामने जब बात करोगे ना विथ नॉलेज, तो लोग क्या समझेंगे, वाह क्या है, क्या नॉलेज है, क्या बात करता है, वाकई में वाकई में। जैसे जैसे आप बोलोगे ना, आपके मुंह से फूल गिरने लगेंगे और लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो नॉलेज होना सबसे जरूरी है, अगर आपको इज्जत पानी है, रेस्पेक्ट पानी है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाना है, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकंड, पैसा। आपके पास नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पैसा है। पता है, पैसा इज द पावर, जिसके पास पैसा होता है ना उसके पास सब कुछ होता है। तो पैसा होना जरूरी है, अगर आप नॉलेज नहीं कमा सकते हो कोई बात नहीं, तो पैसा कमाइए। आज की दुनिया पैसे के पीछे भागती है, और आज किन लोगों को पैसा नहीं चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, और जिसके पास अधिक पैसा है उससे हर कोई मांगने आता है, उसे हर कोई अपनी पार्टी में बुलाता है, उसे हर कोई अपने फंक्शन में बुलाता है, उसे हर कोई अपने घर का इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाता है, उसे हर कोई लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है, उसे हर कई जगह उनका मान सम्मान करने के लिए बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है। और अगर आपके पास भी पैसा है ना, तो आपको डेफिनेटली पता है, आप खुद ही जानते हो, जिस इंसान के पास पैसा हो, भले ही उसके पास नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी उसकी मान सम्मान और रेस्पेक्ट और उसकी इज्जत ऐसी होती है ना कि लोग देखते रह जाते। तो आप भी ध्यान रखना, इन दो चीजों को अपने पास रखना, दो में से कोई एक होनी चाहिए, तभी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा और रेस्पेक्ट और इज्जत समाज में मिलेगी। नंबर वन नॉलेज, सेकंड मनी।